गुलाबी टेस्ट जीतने के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली ने दादा सौरव गांगुली की जमकर तारीफ की, लेकिन गांगुली को लेकर विराट की ये तारीफ पूर्व दिग्गज कप्तान सुनील गावस्कर को रास नहीं आई और उन्होंने भारतीय कप्तान के प्रति नाराजगी जताई है। दरअसल भारत ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए ऐतिहासिक पिंक बॉल टेस्ट में बांग्लादेश को 46 रन से हराकर दो मैचों की टेस्ट सीरीज 2-0 से अपने नाम की। घरेलू सरजमी पर भारत ने ये 12वीं सीरीज जीती है, जबकि विराट की कप्तानी में भारत की ये 7वीं जीत है। बता दें कि भारत ने पहला टेस्ट पारी और 130 रनों से जीता था। पिंक बॉल टेस्ट में विराट जीत के बाद कप्तान कोहली ने पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली की जमकर तारीफ की और उनके जमाने को याद किया। उन्होंने कहा कि ये परंपरा दादा ने शुरू की थी, जिसे हम आगे बढ़ा रहे हैं। विराट के इसी बयान पर पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने नाराजगी जताई। गावस्कर ने कहा, विराट शायद भूल गए हैं कि गांगुली की टीम से पहले भी भारतीय टीम क्रिकेट खेलती थी और उसने 70 और 80 के दशक में विदेशी और घरेलू जमीन पर कई जीत दर्ज की थी। यदि लोग ऐसा मान रहे हैं कि हमारे देश की टीम ने 90 के दशक में क्रिकेट खेलना और जीतना शुरू किया है तो वे गलत है। 1970 से लेकर 1988 तक भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करते हुए कई ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि विराट भले ही तब पैदा नहीं हुए थे, लेकिन आप यदि उस दौर के रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो पाएंगे कि टीम इंडिया का रिकॉर्ड उस दौर में भी बेहतर था। ये बात अलग है कि उस दौर में सीमित क्रिकेट होता था और वनडे क्रिकेट भी ज्यादा नहीं होता था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भारतीय टीम ने 90 के दशक में ही जीतना शुरू किया। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे क्रिकेट केसरी। अगर आप ये वीडियो हमारी फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर आप ये वीडियो हमारी यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। करण खुराना, पंजाब केसरी, दिल्ली।